आज दसवीं का रिजल्ट जारी हो गया है और सबसे ज्यादा 99.67% अंक लाकर बूंदी की निधि जैन ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निधि को शुभकामनाएं देकर उनके सुनहरे भविष्य की कामना भी की है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल अलोद बूंदी में पढ़ने वाली बालिका ने 600 में से 598 अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया है। निधि नियमित रूप से 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी। निधि जैन अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता, अपनी माता, अपने गुरुजनों को दिया है। निधि जैन आगे इंजीनियर बनना चाहती है। आपको बता दें कि 2 साल पहले निधि ने अपनी मां को कोरोना में खो दिया था, जिसके बाद निधि जैन अपने छोटे भाई लक्ष्य को संभालते हुए प्रदेश में फर्स्ट डिविजन पास हुई है। बहुत बधाई है आपको, बहुत बहुत बधाई है। आपने बहुत मेहनत करके आप बहुत ज्यादा नंबर लेके आई है, केवल 2 नंबर कटे आपके। और ये भी केवल एक हिंदी में और एक संस्कृत में, हाँ इंग्लिश में और संस्कृत में सही कर रही है। तो आपको बहुत बहुत बधाई है, ढेर सारी बधाई है। और मेरा आशीर्वाद है कि आपने जो लक्ष्य बना रखा है आगे बढ़ने का, वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी आपको। ठीक है भाई, आप बात करो। हाँ नमस्कार जी, कैसा? आजकल मेरिट डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन सबसे ऊपर है ये राजस्थान में। सबसे ज्यादा नंबर आप लेने वाली यदि मेरिट डिक्लेयर करते तो पहला नाम है राजस्थान में। हाँ बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है आपको, बधाई बेटी को, बधाई उसकी मम्मी को, बधाई। मैं मदन दिलावर शिक्षा मंत्री बोल रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का आज परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें अलोद राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय की छात्रा निधि जैन ने 99.67% अंक हासिल करके प्रदेश में टॉपर बनने में स्थान सफलता हासिल प्राप्त कर दी है। इसे बात करते हैं कि आप ये जो सफलता हासिल की, इसको किसको देना चाहिए? टीचर्स को, पेरेंट्स को और फैमिली को। हाँ, तो कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे आप? स्कूल के बाद जो भी टाइम रहता था उसमें पढ़ती थी। तो आगे जाके क्या बनना चाहेंगे आप? आगे बढ़ते हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज जारी हुआ है। टॉपर छात्रों को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुभकामनाएं दी है। जयपुर में 97.98% अंक लाने वाले छात्रों से बात की हमारी संवाददाता महिमा जैन ने। इन होनहार छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय किसको और क्या इनकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी रही है, आइए आपको सुनाते हैं। आरबीएसई 10th बोर्ड रिजल्ट आने के बाद से विद्यार्थी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने बेहद अच्छे अंक कह सकते हैं कि प्राप्त किए हैं। ऐसे में मेरे साथ 10th बोर्ड के 2 विद्यार्थी मौजूद हैं, जिनकी एक विद्यार्थी की 97% है तो दूसरे की 98%। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम है, कौन से स्टैंडर्ड में आपने इतने अंक प्राप्त किए और सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में गेन किए? मेरा नाम आदर्श साक्य है और मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ, संस्कृत और सोशल साइंस में अचीव किए हैं। इनमें मेरे 100 नंबर आए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे कि सक्सेस कैसे देख रहे हैं, उसको क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को? और जब आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी थी आपने? हाँ, जब मैं पढ़ाई कर रहा तो मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी थी और मैं इस सब का पूरा क्रेडिट मेरे माता पिता, भाई बहनों और मेरे सहपाठियों और गुरुजनों को देना चाहूंगा। जी मैम, मेरा नाम युवराज रजवानी है। मुझे 10th स्टैंडर्ड में 98.67 मार्क्स मिले हैं और मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए संस्कृत और मैथमेटिक्स में, जिनमें मैंने 100 मार्क्स अचीव किए हैं। मैंने हमेशा से ही रोल मॉडल रहे मेरे पेरेंट्स, और इन सभी चीजों का मैं सिर्फ अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने विद्यालय राहुल शिक्षण संस्थान के अध्यापकों को देना चाहूंगा। और मैं अपने
इस सफलता के लिए ये भी कहना चाहूंगा कि मेहनत प्रत्येक बच्चा करता है, लेकिन उस मेहनत के लिए प्रत्येक बच्चे को एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, और वह मोटिवेशन अगर उसे मिल जाता है तो वो किसी भी सफलता को प्राप्त कर लेता है। देखिए दोनों बच्चे मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने 10th बोर्ड में आज बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए, 97 और 98% इन दोनों बच्चों की रही, और ये कह रहे हैं कि इनका सक्सेस का सारा क्रेडिट वो अपने पेरेंट्स और सेकंड टीचर्स को देंगे। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया से हमने एग्जाम टाइम पर दूरी बनाए रखी, जिस वजह से आज हमने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, और खासतौर पर दोनों बच्चों ने मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। कैमरामैन मानसिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज 18।